भैया नमस्कार। आज हम क्लास सिक्स विषय ज्ञान के अंतर्गत अध्याय एक में भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली बार भी हमने अध्याय एक भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है इसका 1.1.1 और 1.2 पढ़ा था। अब आज पढ़ते हैं 1.3। इसमें है भोजन के रूप में पौधे की भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों से हमें क्या क्या मिलता है और इसमें जंतु द्वारा भी हमको पौधों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधों वैसे देखा जाए तो भोजन के रूप में जो हम लेते हैं उसका भोजन का मुख्य आधार होता है पौधे। तो ये कहा गया है मुख्य स्रोत हैं। तो जैसे ये पौधा है तो इसमें ये जो जड़ें होती है तो पहली जड़ होती है ये प्राथमिक मूल कहलाती है। इसके बाद जो ये नीचे की जो छोटी जड़ें होती है इसके बाद एक जड़ से अनेक जड़ें निकलने वाली होती है वो द्वितीय मूल कहलाती है। और प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल मिलकर क्या कहलाती है मूल तंत्र। और जो पौधे का जो मुख्य तना होता है मुख्य जिस पे खड़ा रहता है ये तना कहलाता है। इसके बाद पौधे का भाग होता है पत्ती। पत्ती के अलावा पुष्प होते हैं और पुष्प के बाद फल होते हैं और जो ये निकली हुई भागाएं होती है ये शाखाएं होती है। तो इस प्रकार पौधे और पेड़ के ये भाग होते हैं। अब इसमें पत्तियां जैसे मनुष्य क्या क्या चीज़ें लेता है उसमें पत्तियां। पत्तियों के रूप में जैसे क्या क्या भोजन के रूप में लेता है जैसे आदमी लेता है मेथी पालक और मूली की पत्तियां। ये व्यक्ति भोजन के रूप में सब्जियों के रूप में काम में लेता है। इसके बाद जड़ है। जड़ के रूप में व्यक्ति कौन सी चीज़ें अपने भोजन में लेता है तो जैसे जड़ में लेता है मूली और गाजर। ये दोनों चीज़ें जड़ के रूप में हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। और जो फल है उस फल के रूप में पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है जैसे सेब है अनार है चीकू है आम है कई प्रकार के फल है जो हम फल पौधों से हम खाने के रूप में प्राप्त करते हैं। और भोजन के रूप में इसके अलावा पुष्प के रूप में हम क्या प्राप्त करते हैं जैसे सीताफल के पुष्प है इसकी पकौड़ी बनाई जाती है। और पुष्प से मधुमक्खियों के द्वारा अब इसमें आया जंतु उत्पाद। जंतु मधुमक्खियाँ पुष्पों से रस मीठा रस लेती है। जो मीठा रस लेती है मधुमक्खियाँ वो कहलाता है शहद। जिसको शहद वो व्यक्ति अपने भोजन के रूप में और खाने के उपयोग में भी लेता है। तो इस प्रकार ये और इसके अलावा चौथा पांचवा बिंदु है बीज। पौधों से जो अंतिम है वो बीज। तो बीज कौन कौन से जैसे चना है मूंग है तो बीजों को भी व्यक्ति साबुत मूंग और साबुत चने को अंकुरित करके भी व्यक्ति काम में ले सकता है। इसके अलावा इनसे जो इनके बीज होते हैं जैसे गेहूं चना इनकी रोटी बनाकर भी व्यक्ति भोजन के रूप में काम में लेता है। इसके अलावा फलों के रूप में जैसे बैंगन है गाजर है मूली है ये भी व्यक्ति अपने भोजन के रूप में काम में लेता है। अब इसके अलावा 1.4 यहाँ 1.3 पड़ा और 1.4 है जंतु क्या खाते हैं। जंतु में सभी आते हैं। मनुष्य है शेर है बिल्ली है गाय है भैंस है ये सभी जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो अब सारणी के अंतर्गत अब सारणी के माध्यम से देखते हैं जीव का नाम और खाया जाने वाला भोजन। तो जैसे मनुष्य क्या क्या चीज भोजन के रूप में लेता है अनाज। अनाज में है बीज। अनाज बीज के रूप में लेता है गेहूँ ज्वार चावल ये अनाज के रूप में भोजन में लेता है। इसके अलावा फल भी भोजन के रूप में लेता है सब्जियाँ लेता है दूध लेता है ये इस प्रकार वह भोजन के रूप में लेता है। अब इसके अलावा जैसे बिल्ली है
मिली भोजन के रूप में क्या लेती है, छोटे छोटे जंतु, छोटे छोटे जंतु छोटे छोटे जंतुओं को वह मारकर खाती है। इसके अलावा वह पक्षियों को भी, पक्षियों का शिकार करती है और दूध दूध भी लेती है। दूध भी बिल्ली लेती है। इस प्रकार जैसे अब गाय भैंस गाय भैंस भोजन के रूप में क्या लेती है, घास घास लेती है, खली लेती है। खली जानते हो, जैसे सोयाबीन का तेल निकालने के बाद जो उसका भूसा नुमा बनती है वो खली। सोयाबीन है, सरसों है, मूंगफली है, इनका तेल निकालने के बाद जो भूसे के रूप में बचता है वो खली खली है। इसके बाद भूसा, भूसा और अनाज, अनाज के बाद है पत्तियां। गाय भैंस का भोजन के रूप में है घास, खली, भूसा, अनाज और पत्तियां, ये अपने भोजन के रूप में लेती है। इसके अलावा शेर, शेर अपने भोजन के रूप में लेता है जंतुओं का शिकार करता है, जानवरों का मांस। मांस जानवरों का मांस वह अपने भोजन के रूप में काम में लेता है। तो इस प्रकार ये आज हमने भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद के बारे में हमने पढ़ा है। यह जो याद अपन ने अध्ययन किया है ये आपको गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।